आज भारत में एक बहुत बड़े फेस्टिवल जैसा माहौल बना हुआ है, क्योंकि हॉकी ने भारत को यानी 41 इयर्स के बाद में भारत को मेडल दिलाया है। मैं पूरी हॉकी टीम को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी की ओर से। साथ ही साथ आज तेलंगाना में स्पोर्ट्स की क्या परिस्थिति है, अगर हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो पूरे अनडेवलपमेंट, स्टेडियम देखेंगे तो एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। यानी तेलंगाना में स्पोर्ट्स के प्रति कोई भी दिलचस्पी तेलंगाना के मुख्यमंत्री को नहीं है। जब से तेलंगाना में नई सरकार बनी है टीआरएस की, यानी 7 साल से स्पोर्ट्स के प्रति जो फंड रिलीज किया जाता है वो फंड भी खर्च नहीं किया जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, अभी वो एक्साइज मिनिस्टर भी है, सिर्फ एक्साइज के ऊपर उनका ध्यान ज्यादा होता है, जो कमीशन के ऊपर उनका ध्यान ज्यादा होता है, ना कि हमारे तेलंगाना के लिए जो स्पोर्ट्स के प्रति जो बच्चे रेसलिंग हो या वेट लिफ्टिंग हो या जूडो कराटे हो, इसमें कौन कौन मेडल ला रहा है या नहीं ला रहा है, उनके ऊपर कोई इनका ध्यान नहीं रहता। अगर कोई मेडल ला रहा है तो उनको प्रोत्साहन भी नहीं रहता। आज जितने भी जो कोचेस है, जैसे रेसलिंग कोचेस, बॉक्सिंग कोचेस, वेट लिफ्टिंग कोचेस, ये सभी लोग आज धरने पर बैठे हुए। क्यों? क्योंकि इनको जो नॉमिनल जो सैलरी मिलती थी वो भी सैलरी नहीं मिल रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। साथ ही साथ आज मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को यह पूछना चाहूंगा कि ओलंपिक जो 2 मेडल जीतने में पहली महिला का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु, आज तेलंगाना में पीवी सिंधु को क्या किया, तेलंगाना में मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या किया है, मैं पूछना चाहूंगा। आज तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर आप पाकिस्तान की बहू को बनाते हैं, सानिया मिर्जा को बनाते हैं, तो पीवी सिंधु को क्यों तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जाता, मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पूछना चाहूंगा। क्या इसमें भी आप लोग मुस्लिम राजनीति खेल रहे हैं क्या? क्या सानिया मिर्जा मुस्लिम है और पीवी सिंधु हिंदू है? क्या इसमें भी आप लोग जात पात देख रहे हैं क्या? मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आज भारत का सर ऊंचा करने वाली पीवी सिंधु, साथ ही साथ तेलंगाना के भी सर ऊंचा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, आप थोड़ा राजनीति के प्रति ना सोचकर कि हमारी तेलंगाना की बेटी है और तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाए, ऐसी विचारधारा रखकर आप पीवी सिंधु को तुरंत तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए। साथ ही साथ आज सचिन तेंदुलकर हो या धोनी हो, ये भी छोटी छोटी बस्तियों से खेलकर आज भारत का नाम ऊंचा करे। आज बस्तियों में क्या परिस्थिति है, आप स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं देते, आप स्टेडियम में कोई डेवलप नहीं करते, आप बस्ती बस्ती जो हर गवर्नमेंट जो स्पोर्ट्स मटेरियल देती थी एवरी ईयर, वो भी आप नहीं देते। मुख्यमंत्री जी, स्पोर्ट्स के प्रति आपका अलग से बजट होना चाहिए और अलग से ध्यान होना चाहिए, तो हमारे तेलंगाना से भी बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन निकलेंगे, ये मैं सोचता हूं।